हाँ बच्चों, क्योंकि एक सवाल आपके सामने और है, जेई मेंस का ही सवाल है। जेई मेंस 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया एक सवाल है। अमूमन बच्चे ऐसे सवाल को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है। सही है, अगर आप आरडी शर्मा को भी ढंग से सॉल्व किया तो हाँ सही, उसी लेवल का ये सवाल है। देखो क्या है, पूछ सकते हैं अपन उसमें। लेट एस इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट एस में है, वेर जेड बार इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बार, देन समेशन ऑफ जेड बिलोंग्स टू एस, मतलब जितने भी जेड सेट एस में हैं उनके मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर का समेशन बताइए। हो सकता है जेड की एक से ज्यादा वैल्यू हो रहे हो इसलिए ऐसा बोला गया हो। यहाँ पर जेड की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या, एक्स प्लस क्या आई वाई, जो चीज सवाल में चाहिए निकाल लेते हैं। तो जेड बार चाहिए, जेड बार में कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस क्या आई वाई, और एक चाहिए आपको क्या, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर भी निकाल लो। जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई साहब, एक्स प्लस आई वाई का क्या होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू क्या आ जाएगा आई हो जाएगा। सही है, हाँ सर। तो एक चाहिए आप रियल पार्ट ऑफ जेड बार, खैर रियल पार्ट ऑफ जेड बार कितना हो जाएगा भाई साहब, रियल पार्ट ऑफ जेड बार एक्स ही रहेगा। सही है यार, सवाल क्या है, सवाल ये है सर कि नाउ सॉल्व करते हैं ना सवाल। जेड बार की जो वैल्यू है कितना है, आई टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड बार, क्लियर हो? हाँ सर, ये दिया गया किसकी वैल्यू, जेड बार की वैल्यू दिया गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो जेड बार लिख देंगे अपन क्या, एक्स माइनस क्या आई वाई, यहां से लिख दिया आई टाइम्स ऑफ, सही है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब ये पूरा, सही है, हाँ सर, कितना एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर और प्लस क्या 2xy इंटू कितना आई और प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बार, रियल पार्ट ऑफ जेड बार कितना है एक्स, इसलिए हम ठीक है। अब राइट साइड में, लेफ्ट साइड को तो ऐसे ही रहने दो, राइट साइड में क्या करूँ, जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है उनको कलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों के साथ तो बन जाएगा इमेजनरी पार्ट, और यहाँ आई मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 हो जाएगा, वो रियल पार्ट बन जाएगा। -2xy को पहले लिख लीजिए, सही है, और बाकी यहाँ भी आई मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा क्या इमेजनरी पार्ट, तो आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, मिला लो कैलकुलेशन एक बार, मेरे ख्याल से तो ठीक ही जा रहा है। अगले पेज पे इसी स्टेप को नोट कर लेते हैं, फिर वहां बढ़े। एक्स माइनस आई वाई कितना आ गया आपका, एक्स माइनस आई वाई आ गया -2xy इंटू आई, सॉरी -2xy, आई नहीं था इसमें, क्लियर हो, और प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर और प्लस एक्स था, मिला लीजिए एक बार, -2xy बिल्कुल सही है, आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या एक्स, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को इक्वल करवा लो, जानते ही हो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा -2xy के इक्वल हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा इधर, ये देखिए ये जो माइनस वाई है, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। सही है, ये इक्वेशन थोड़ा मुझे आसान दिख रहा है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो और एक्स कॉमन ले लो, कितना बन जाएगा 1 + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सही है, एक्स की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और एक वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, क्लियर हो? हाँ सर। अब इन्हीं में से ये दोनों वैल्यू जो आए ना उनसे इनको सोल्व करना है अलग अलग, तो हम पहले सोल्व करते हैं एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, इधर सोल्व करता हूं मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं, सही है, हाँ, और इधर सोल्व करता हूँ वाई की वैल्यू क्या -1/2 रखकर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखिए, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, बच क्या जाएगा -y इक्वल टू क्या बच जाएगा -y2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सही है, इसको इधर ले आओ, सही है, और वाई कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा वाई -1 इज इक्वल टू क्या 0, यहाँ से एक वाई की वैल्यू 0 आ जाएगा और एक वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तब जब एक्स की वैल्यू क्या था 0 था, एक्स आपने 0 रखा, वाई क्या आया, वाई आया 0 और क्या 1, यानी एक्स 0 हमने रखा तो वाई की एक वैल्यू आ गया 0 और एक वाई की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। सही है, तो एक जो पहला जेड आ गया ना, जेड वन बोल रहा हूँ, जेड की ही वैल्यू है, पहला जेड जो आ गया वो क्या आ गया 0 0 आ गया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो दूसरा जेड जो आ गया, जेड की सेकंड जो वैल्यू आई इसको जेड टू से लिख रहा हूँ, वो 0 कॉमन क्या आ गया 1 आ गया, इसमें जेड की ही वैल्यू है, जेड वन जेड टू मैं लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो।
अब इसको यहां से सोल्व करूंगा, यहां से क्या बोल रहा है, वाई की वैल्यू क्या रखो, माइनस, हाँ इसी में वाई की वैल्यू अगर जैसे ही माइनस आप रखिएगा तो प्लस बन जाएगा, सही है, तो ये क्या जाएगा 1/2, और पहला वाला तो ऐसे ही छोड़ो एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू माइनस हाफ रखोगे तो माइनस हाफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सही है, ठीक है, स्क्वायर होगा तो ये वाला टर्म प्लस बन जाएगा, ठीक है, सामने माइनस रहेगा और क्या +6, सही है। देख लो भाई, अपन चाहे तो 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4x² और ये बन जाएगा -1 और क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा, सही है। देख लो भाई, अब 4x² प्लस क्या 4x और 2 को उधर लेके जाओ तो -3 = 0 हो जाएगा, सही है। तो आगे चल के अपन सोल्व कर लेते हैं, 4x² प्लस 4x और -3 = क्या जाएगा 0, इसको स्प्लिट कर लो कितने में, 6 और 2 में, तो 6x तो माइनस क्या 2x -3 = क्या जाएगा 0, ये दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों से कॉमन आ जाएगा 2x, 2x + 3 और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -2x + 3 = क्या 0, ओवरऑल 2x + 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 2x माइनस क्या 1 = क्या 0, तो एक तो x की वैल्यू -3/2 आ जाएगा और एक x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, कब आया ऐसा, ऐसा आया जब y की वैल्यू उसमें क्या -1, देखो ये ना, हाँ देखो y की वैल्यू -1/2 रखा तो ऐसा बना, सही है, y की वैल्यू हमने क्या रखा -1/2, तो x की 2 वैल्यू आ गए, कौन सा x की एक वैल्यू आ गया -3/2 और एक x की वैल्यू क्या आ गया 1/2, सही है। तो अपन z3 जो तीसरा वैल्यू आया, z3 बोलते रहा हूँ, पहले x वाले को लिखेंगे, z3 क्या आ जाएगा -3/2, सही है, और कॉमा क्या -1/2, z4 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 1/2, ये वाला वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ और ये बाद में लिखूंगा, और क्या -1/2, सही है, हाँ सर। और z1 z2 क्या आया था, z1 एक तो मेरे ख्याल से 0 0 ही आ गया था, और z2 कितना आया था, z2 आया था आपका 0,1, देखो यहाँ 0,1, सही है, हाँ सर। अब शायद इस z की वैल्यू है, z की कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू, अब शायद इनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम पूछा गया सवाल, देखो हाँ मॉडुलस के स्क्वायर का सम, देखते हैं आपने इनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम से मतलब समय से, हाँ सर, सबका मॉडुलस का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो मॉड z1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 ही रह जाएगा, हाँ सर, मॉड z2 स्क्वायर ना, ये 0+i है ना एक तरीके से, हाँ तो ये 1 हो जाएगा, सिमिलरली मॉड z3 स्क्वायर निकाल लीजिए, मॉड z3 स्क्वायर यहाँ से मिलेगा कितना, स्क्वायर करो इसका 9/4 + 1/4 10/4 हो जाएगा, ऐसे ही मॉड z4 स्क्वायर निकाल लीजिए, सही है, यहाँ से मिल जाएगा 1/4 + 1/4 यानी 2/4 हो जाएगा, सही है, हाँ सर, सर कैंसिल कर लो, नहीं करूंगा कैसे, ऐड करने में सुविधा हो, सही है। आपसे पूछा गया समेशन ऑफ जेड की जितनी भी वैल्यू है, क्लियर हो, इसको जोड़ लीजिए, 0 + 1 1 हो जाएगा, और 10/4 और 2/4 12/4 हो जाएगा, मतलब क्या 3, और 3 + 1 कितना होता है 4, 4 इज करेक्ट आंसर, कटअप सवाल था नहीं ना, लो भाई 4 इज करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर हो, बिल्कुल आसान सवाल था, देख लो भाई कोई दिक्कत आए बता दीजिए, सही है, हाँ सर, सही है।